हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्मलास किचन। आज हम बनाएंगे सरादौर। सरादौर पोर्चुगीज स्वीट डिश है। हमने लिया है मिल्क मेड 400 ग्राम, अमूल फ्रेश मिल्क लेना है 400 ml, वेज जेलेटिन लिया है 15 ग्राम, और अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आप जेलेटिन भी ले सकते हैं। इस तरह से जेलेटिन पाउडर आता है। मैंने हाफ ग्लास गर्म पानी में जेलेटिन डाल के मैंने पिघल लिया था। अब मैं उसको छान के ले रही हूँ। उसे जल्दी जल्दी छान के लेना है। मिल्क मेड और फ्रेश क्रीम मैंने इसमें डाल दिया है मिक्सचर के बर्तन में, जो मैंने माप आपको बताया था। जेलेटिन डालेंगे जो हमने छान के लिया है। हमारी तीनों इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए उतना ही हमें मिक्सचर में घुमा के लेना है। मैरी बिस्किट का मैंने पीसेस करके पाउडर करके लिया है। आप चाहिए तो दरदरा भी रख सकते हैं। मैरी बिस्किट के पाउडर से हम अभी उसको सेट करेंगे। आपको जितना थिक रखना है उतना आप रख सकते हो। और अभी हमने इसके ऊपर हमने बिस्किट का पाउडर सेट कर दिया है। मैंने एक ही लेयर किया है, बीच में नहीं डाला है, क्योंकि अगर हम बीच में डालेंगे तो बिस्किट सॉफ्ट हो जाएंगी। अभी हम इसको फ्रिज में सेट करने के लिए रखेंगे। ये प्रोसेस मैं रात को बना कर रही हूँ, तो मैं कल निकालूँगी फ्रिज में से। मैंने मैरी बिस्किट के हार्ट शेप बनाए हैं, जो मेरे पास हार्ट शेप का मोल्ड है। इस तरह से फ्रेंड्स सरादौर सेट हो गया है। अभी हम सर्व करेंगे। आप इसे ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और आप इसे फंक्शंस में और क्रिसमस में बना के खा सकते हो। और बहुत ही सिंपल डिश है, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से बनाया है। गोवा में ही ये डिश मिलती है, और अगर आपको गोवा में टेस्ट करना है तो होटलों में भी इजीली मिल जाता है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।